हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। और यू नो, आपके लिए वीडियो बनाना ये मेरा बहुत ही फेवरेट, माय बेस्ट टाइम, मुझे बहुत पसंद है। इसलिए इवनिंग में ही सही दो बातें तो करना ज़रूरी है आप लोगों से। और जैसे ही मैंने ये डाउट सीरीज चालू की है, कुछ लोग अपनी डाउट्स मेल और इंस्टा में डालते हैं। सबकी डाउट्स तो मैं नहीं ले सकती, हाँ हाँ जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है डाउट और जो सबके लिए कॉमन है, उन क्वेश्चंस को मैं एक या दो आप लोग का ले सकती हूँ, बिल्कुल ले सकती हूँ। तो आज क्वेश्चन, वेरी कॉमन क्वेश्चन, कि क्या कुंडलिनी जागरण ज़रूरी है ट्विन फ्लेम्स में। मेरे 600 वीडियो में से किसी में मैंने आज तक नहीं कहा कुंडलिनी जागरण जरूरी है क्या, बिल्कुल नहीं कहा। यस, आई मेड द वीडियो ऑन कुंडलिनी जागरण कि कैसे, अगर आपको मतलब इच्छा हो जगाने की तो कैसे जागृत करते हैं, क्या उसके रिस्क हैं, क्या डूज एंड डोंट्स हैं, उस पर वीडियो है डेफिनेटली। और ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो था आई बिलीव चित्राक्षी का। यस, अदरवाइज कुंडलिनी जागरण पे मैंने कभी नहीं कहा कि आपको खुद से जगानी है, क्योंकि कुंडलिनी आपकी स्पॉन्टेनियसली अवेकन होती है ट्विन फ्लेम्स में। क्योंकि हम लोग बाय बर्थ स्पिरिचुअल होते हैं, इंट्यूटिव होते हैं, एंड हमारा जो स्पॉन्टेनियस कुंडलिनी अवेकनिंग होती है, कुछ समझ लीजिए इस प्रकार से होती है कि दो आत्माएं मिलती हैं, करीब आती हैं, और जब ग्राफ धीरे धीरे ऊपर चढ़ता जाता है, एक होते हैं, और जब वो फिजिकली एक होते हैं, और तब होती है कुंडलिनी जागरण, जिसको हम लोग कह सकते हैं स्पॉन्टेनियस कुंडलिनी अवेकनिंग, जो हमें पता नहीं चलती है। लेकिन दोस्तों, वहीं से वो ग्राफ नीचे जाने लगता है या ये कहो कि आप लोगों की जर्नी का श्री गणेश होता है, और वहाँ वो नम हो जाते हैं, और यहाँ आपको लगता है सोल शॉक। वो नम इसलिए ऐसे हो जाते हैं कि लाइक वो आपको आत्मा से तो बहुत प्यार करते हैं, पर 3D में आप उनको बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, सीरियसली। मतलब फॉर एग्जाम्पल, कि अभी दिवाली निकली है, दिवाली में हर किसी को, दुनिया के हर एक इंसान को वो दिवाली के विशेष भेज देंगे, सिर्फ एक उस इंसान को नहीं जो उसको सबसे ज़्यादा प्यार करता है ना ऐसा, या सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट उसी को विश करना है जिसको वो सबसे ज़्यादा प्यार करता है। तो डीप डाउन वो आपसे बहुत प्यार करता है, हायर सेल्फ में, अंतरात्मा से। लेकिन 3D में वो आपको बिल्कुल पसंद नहीं करता, भागता है आपसे। ये तब होता है जब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चालू होती है और आप सोल शॉक में जाते हो। बट यू आर रिक्वायर्ड टू लर्न ब्रेक थ्रू द लाइन ऑफ पेशेंस टू गेट योर रीयूनियन। वाह, दिस इज द फर्स्ट टाइम दिस टर्म मैं बोल रही हूँ अपने चैनल पे। एंड यस, अभी हाल ही मैंने इसको डिस्कवर किया है, ब्रेक थ्रू ऑफ द लाइन ऑफ पेशेंस, राइट। यू नो, मेरा 11 माई 11 पॉइंट्स ऑफ इनर वर्क सब जानते हैं, सबने वो वीडियोस देखा है, और करीबन लगभग साल भर पहले या वो वीडियो मतलब मैं लाई थी माई 11 इनर वर्क। जब मैंने ये डिस्कवर किया था कि ये कुछ चीज़ें अगर आपने कर ली तो यू विल गेट द यूनियन, बहुत लोगों ने उसको फॉलो किया और उसको पसंद किया। पर मेरे उन माय 11 इनर वर्क में बिल्कुल भी कहीं ये नहीं लिखा था आपको कुंडलिनी अवेकनिंग करनी पड़ेगी। दोस्तों, मैं आज फिर से रिपीट कर रही हूँ थोड़ा बहुत न्यू सब्सक्राइबर के लिए जिन्होंने वो वीडियो ना देखा हो। बस चार पांच चीज़ें चाहिए यूनियन के लिए। एक मेरा, मैंने लेके आई थी प्राणायाम। उस प्राणायाम में कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, भस्त्रिका, ये कुछ चीज़ें थी एज अ प्राणायाम। वो इसलिए थी क्योंकि ये हमारी
बाबा रामदेव के प्राणायाम थे, और मैंने कहा भी था उस वीडियो में उस वक्त कि आप लोग गूगल कर लीजिए ये कैसे करते हैं, जो ये सेंटेंस आज भी याद है। वेल, तो मैं प्राणायाम लेके आई थी ट्विन फ्लेम्स में, और द रीज़न बिहाइंड दिस कि ये हमारे सारे चक्रास पर वर्क करता है, ठीक है। तो आई टुक एज अ वार्म अप ऑफ योर चक्रास, बिकॉज चक्रास इज द की ऑफ दिस जर्नी। तो उसके पहले हम लोग ये प्राणायाम 15 मिनट का करते ही करते हैं, ठीक है। इट एक्ट्स एज अ वार्म अप ऑफ योर चक्रास, सारे स्फीयर को ये कवर करता है। देन वी यूज टू डू चक्रास। चक्रास के बाद आप 10 मिनट 15 मिनट ओम चैंटिंग कर लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा नाड़ी शोधन कर लीजिए, ये भी मैं लेके आई थी, और बहुत लोगों ने पूछा था मैडम नाड़ी शोधन प्राणायाम कैसे करते हैं, और उस मैंने लाइव बनाया था जिसमें मैंने दिखाया था नाड़ी शोधन प्राणायाम कैसे करते हैं। तो अगेन अगर आप आज पूछोगे तो प्लीज़ मेरा लाइव वो देख लीजिए, मैंने उस पर गाइड किया है कि नाड़ी शोधन प्राणायाम कैसे करते हैं, ठीक है। बिकॉज दिस इज़ डाउट सीरीज, मैं हर चीज़ को बहुत शॉर्ट में बताऊँगी। देन बस अजब बस। और उसके बाद इस स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से ज़्यादा ज़रूरी है, मोर देन दिस इज योर ब्लॉकेजेस, वर्क ऑन योर ब्लॉकेजेस। क्योंकि जितना आपकी एनर्जी का शिफ्ट आपके स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से नहीं होता है, उससे ज़्यादा आपके ब्लॉकेजेस से आपकी सडन एनर्जी शिफ्ट होती है। आपने एक एंगर का इशू हील कर लिया, यू विल फाइंड योरसेल्फ इन अ डिफरेंट डायमेंशन। सीरियसली ट्राई करिए, एक आपने अपना इशू हील कर लिया, जेलेसी का इशू हील कर लिया, शेम गिल्ट एंगर और वट एवर, सडन शिफ्ट होगा आपका आपकी एनर्जी में। और अब ये एनर्जी का शिफ्ट क्यों करना है? बिकॉज आपका यूनियन थर्ड आई पे होता है। सो ऑल 7 चक्रास आर इम्पॉर्टेंट टू वर्क, जब क्योंकि आपका डिवाइन मैस्कुलिन एंड फेमिनिन का बैलेंस आपके थर्ड आई पे होता है, यूनियन थर्ड आई पे होता है। यू नीड टू रेज योर एनर्जी अप टू दैट लेवल, इसलिए मैं कहती हूँ 7 चक्रास इकट्ठा एक साथ करना ज़रूरी है। किसी ने पूछा था कि मैम हम एक टाइम पे एक चक्रा पे काम करें, नो, आप अलग से थोड़ा बहुत शाम के वक्त साइड से कर सकते हो, बट 7 चक्रास पे आपको मॉर्निंग में काम करना ज़रूरी है, ठीक है दोस्तों। अभी मैंने ऊपर बात की थी ब्रेक थ्रू द लाइन ऑफ पेशेंस। देखिए दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी की बता रही हूँ मैं आपको, जब आप जो लोग नए नए सोल शॉक से गुजरते हैं, या आप लोग आपको बाबा पेन होता है, हार्ट पेन होता है, कैसे हील करें? डेफिनेटली जब आपकी एनर्जी ऊपर जाएगी, आप पीस एंड बैलेंस की स्टेट में आओगे चक्रास से, दैट इज़ द वे। बट होता क्या है कि कहीं ना कहीं हमारा ओवर थिंकिंग का इशू, हमारे नेगेटिविटी का इशू, या फिर उसकी याद आ रही है, वो बैक टू आपको ज़ीरो ले आता है, और फिर आप लोग डिटैचमेंट की स्टेज तक जा ही नहीं पाते हो। दोस्तों, नो कॉन्टैक्ट रूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस। आई डोंट नो, बहुत लोग मिसगाइडेड हैं अबाउट दिस कि नो कॉन्टैक्ट इज नॉट नेसेसरी। इट्स नेसेसरी। या तो आपके में इतना बैलेंस हो कि आपको एक्सपेक्टेशंस ना रखो, लेकिन कहीं ना कहीं जब आप उनसे बात करते हो फोन पे या चैट में, तो आप सारे रूल्स भूल जाते हो, एंड आपको लगता है कि बस काश चीज़ें पहले जैसी नॉर्मल हो जाए यार, ये पहले जैसा हो जाए, एंड देन यू स्टार्ट सेंडिंग या एक्सपेक्टेशंस, और जहाँ एक्सपेक्टेशंस आई वो फिर भाग जाएंगे, क्योंकि अभी तो ना वो अवेकन है ना आप अवेकन है, ठीक है। तो सबसे बढ़िया बात है कि डिटैचमेंट में जाइए और खुद को इतना बिजी कर लीजिए खुद के इनर वर्क में, खुद की सोल ग्रोथ, खुद की फैमिली, खुद का करियर, खुद का जॉब, खुद की ग्रोथ, खुद की सोल ग्रोथ, खुद के सेल्फ की केयर में इतना बिजी कर लो कि वो आपको याद ही ना आए। और अगेन, मैंने अब तक लाइन ऑफ पेशेंस क्लियर नहीं किया। क्या होता है, मैं एग्जांपल बताती हूँ। ऐसा लोग निर्जला व्रत करते हैं करवा चौथ में, राइट,
एक पॉइंट आता है जब आपको बहुत तेज़ भूख लगती है। आपने 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे तक रह लिया, 12 बजे या 1 बजे एक पॉइंट आता है बहुत तेज़ भूख लगती है। लेकिन जब आपने वो लाइन ऑफ पेशेंस पास कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं, तो उसके बाद आपको ना आप रात के 9 बजे तक भी भूखे रह सकते हो, फिर भूख प्यास सब खत्म हो जाती है। इट इज़ एग्जैक्टली लाइक दिस। आपको बस वो लाइन ऑफ पेशेंस पे ब्रेक थ्रू करना है, वहीं तक आप लोग पहुंचते पहुंचते बैक टू फिर ओवर थिंकिंग, फिर एक्सपेक्टेशंस, बैक टू जीरो आप हो जाते हो। ठीक है दोस्तों, तो मेरा ये लाइन ऑफ पेशेंस आप लोग भूलना नहीं, ठीक है। नया वर्ड एक्सप्लोर किया है मैंने ट्विन फ्लेम्स में। सो इनर वर्क करिए, नो नीड टू गो फॉर एनी कुंडलिनी जागरण, ठीक है। बस जो मैंने बताया है इतना सफिशिएंट है। फोकस ऑन योर ब्लॉकेजेस, वर्क ऑन योर ब्लॉकेजेस, ग्रैटिट्यूड। यस, एक और चीज़ का याद आई, एक मैंने आप लोगों को मंत्रा दिया था, थैंक यू यूनिवर्स, लव यू यूनिवर्स, सब लोग अब फॉलो करते हैं। बिल्कुल, ग्रैटिट्यूड मंत्रा मैंने दिया था कई मंथ्स पहले, और मुझे बहुत खुशी है कि आप सब लोग थैंक यू यूनिवर्स, लव यू यूनिवर्स बोलते हो। ऑलवेज फॉलो दैट ग्रैटिट्यूड मंत्रा, बी इन एक्सेप्टेंस मोड। मतलब यूनिवर्स, तुम हमको जो हमारे लिए तुमने चुना है वो बेस्ट होगा ही होगा, एंड मैं एक्सेप्ट करता हूँ। आई एम इन द सरेंडर मोड, आई एम इन द एक्सेप्टेंस मोड, एंड सिंपली गो विद द फ्लो। स्टॉप ओवर थिंकिंग। यू नो, आपका ओवर थिंकिंग ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, वो ही आपको बैक टू जीरो ले आता है। स्टॉप ओवर थिंकिंग, ठीक है। सिंपली गो विद द फ्लो, बी इन एक्सेप्टेंस मोड, बी इन सरेंडर मोड, बी इन द मोड ऑफ ग्रैटिट्यूड, थैंक यू यूनिवर्स, लव यू यूनिवर्स, बस यही मंत्र। ठीक है दोस्तों, चलिए खुश रहिए, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, टेक केयर, एंड प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल।